नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम है, जहां एक तरफ टी20 सीरीज जीती, वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बारी है असली टेस्ट की, अब बारी है टेस्ट क्रिकेट की, अब बारी है विश्व क्रिकेट के दो जायंट्स की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप टू में किसका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, ये सीरीज डिसाइड कर देगी। ये चार टेस्ट मैच ये डिसाइड कर देंगे कि भारत क्या इंग्लैंड में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है उसमें पहुंच पाता है या नहीं। भारत के साथ दिक्कत यह है कि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद हिंदुस्तान वापस लौट आएंगे, वहीं रोहित शर्मा फिलहाल दो टेस्ट मैच में तो लग नहीं रहा कि वो खेल पाएंगे, यानी कि तीसरे और चौथे में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि जो मौका है आपके पास वो पहले टेस्ट में है, एडिलेड में आप कई बार जीत चुके हैं, तो एडिलेड में वैसे पिंक बॉल टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपीरियंस है। भारत हालांकि अपना दूसरा पिंक बॉल टेस्ट खेलेगा और विदेशी जमीन पर पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलेगा, लेकिन भारत के साथ एक एडवांटेज यह है कि डेविड वार्नर पहले टेस्ट से आउट हो चुके हैं। ऐसे में अगर विराट कोहली अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को इस बात का लाभ मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में अमूमन कुकाबुरा का गेंद यूज होता है, यानी कि पहला घंटा अगर आपने बेहतरीन तरीके से निकाल दिया, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, तो फिर आप दिन भर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की पिटाई कर सकते हैं। सेम भारतीय गेंदबाजों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग अटैक कहीं से भी कम है, फुल फ्लैश बॉलिंग अटैक इस बार ऑस्ट्रेलिया का भी है, पिछली बार भी था, और भारत का भी फुल फ्लैश पेस अटैक है। हालांकि ईशांत शर्मा का नहीं होना थोड़ा सा एक हैरत में डाल सकता है, लेकिन उमेश यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है, मोहम्मद सिराज क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो उस लिहाज से भारतीय टीम के पास भी मौका है ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर हराने का। हालांकि पिछले दौरे पर यह कह दिया गया कि स्टीव स्मिथ वार्नर नहीं थे, इस वजह से भारत जो है वो टेस्ट सीरीज जीत गई। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है नो डाउट टेस्ट सीरीज में, तो ऐसे में उस लिहाज से विराट कोहली भी ये बात जानते हैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है तो आपको पूरे जोश के साथ खेलना होगा। चांसेस भारत के हैं, कई दिग्गज ये बात कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में अगर भारत नहीं हरा सकता तो फिर दुनिया की कोई टीम नहीं हरा सकती मौजूदा परिस्थिति में। उन्होंने कहा कि भारत में वो एबिलिटी है, अगर इनके बल्लेबाजों ने रन्स बोर्ड पर लगा दिए, जो कि चेतेश्वर पुजारा डिसाइडिंग फैक्टर थे पिछले दौरे पर जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था, तो अगर चेतेश्वर पुजारा का बल्ला चल गया और अजिंक रहाणे जिस हिसाब की लय में वो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने शानदार शतक गढ़ा था, अगर उस तरीके की किसी ने बल्लेबाजी कर दी तो यू नेवर नो कि आप ऑस्ट्रेलिया को शायद 3-1 या फिर 2-1 से तो हरा ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखना होगा कि इस सीरीज में भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है। आपकी क्या राय है इस पूरी सीरीज को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।